माननीय मुख्यमंत्री जी थाप देंगे और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। शैली में विविध रंग देखने को मिलते हैं। जनजातीय जीवन के सभी रंगों को सजोने और सवारने के लिए जनजातीय विकास विभाग निरंतर प्रयासरत है। जनजातियों की वेशभूषा, उनकी जीवन शैली, कला, धार्मिक मान्यताएं न केवल संजोई जाएं, वरन उसे आम जन भी परिचित हो सकें। इसी विचार से जनजातीय जीवन के इंद्रधनुषी रंग कॉफी टेबल बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तिका में गोंड, खरवार, थारू, सहरिया, चेरो, बैगा, पंखा, अगरिया, भुइया, बुक्सा, परहिया और पटारी नामक 12 जनजातियों के जीवन को चित्रों में प्रदर्शित किया जा रहा है। धन्यवाद माननीय आप सभी का। और अब समय हो गया है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री देखें जो हमारे जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई है। मानव विकास के इतिहास की कड़ी को जोड़ें तो हमारी जनजातियां सबसे प्राचीन और मजबूत कड़ी हैं, जो आज भी हमारे बीच विद्यमान है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के संचालन और उनके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1984 में जनजातीय निदेशालय की स्थापना की गई। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में इस दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। सबसे पहले इनकी शिक्षा स्तर में सुधार एवं साक्षरता दर में वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति योजना, आश्रम पद्धति विद्या। भारत माता की, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आप बोलेंगे। भाइयों बहनों, आज तो जनजातीय गौरव दिवस है, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए ऐसे महापुरुष की पावन जयंती पर हमारा उत्साह भी उतने ही दुगना होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, 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 जय जोहर। जनजातीय गौरव दिवस के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के 13 जनपदों के वनाधिकार पट्टे वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को खाड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए आप सबको जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। यह दिवस आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति देने के लिए आज मैं विशेष रूप से इस जनपद में आया। जनपद सोनभद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि इस जनपद में 13 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर 15 जो जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, उनमें थारू, बुक्सा, गौड़, खरवार, सहरिया, परैया, बेगा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया,
यानी ये सभी जनजातियां, और मेरा मानना है कि देश के अंदर किसी एक जनपद में इतनी जनजातियां निवास करती हैं तो वह जनपद है सोनभद्र जनपद। सोनभद्र जनपद को यह गौरव हासिल है कि मानव जाति के उद्गम के साथ जिन्होंने मानव जाति के उद्गम के साथ इस सृष्टि की रचना के साथ जिन लोगों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपने आप को प्रकृति के चुनौती और संघर्षों से जूझते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है उनमें से है सोनभद्र जनपद। और जनजातीय समुदाय यह भारत का महत्वपूर्ण समुदाय है जिसने धरती माता के साथ अपना संवाद जोड़ करके, संबंध को जोड़ करके इस वैदिक उद्घोष को चरितार्थ किया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी यह धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, तो धरती माता को कोई नुकसान नहीं होने देना। हमारा जनजातीय समुदाय इन वनों का रक्षक भी है, इनका संरक्षक भी है, और इनको हर प्रकार से अभिवृद्धि करने में वह योगदान देता रहा है, हजारों वर्षों से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा है। लेकिन आजादी के कालखंड के दौरान जब देश गुलाम था उस दौरान भारत के जनजातीय समुदाय पर अनगिनत अत्याचार हुए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया, कहीं पर रानी दुर्गावती को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर भगवान बिरसा मुंडा को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर किसी अन्य महापुरुष को आकर के आगे आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा था। और मुझे बता, आज उसी का परिणाम है, हर घर नल की योजना भी यहां साकार हो रही है, और आज उसी का परिणाम है कि यहां पर सरकार ने तय किया है कि चाहे वह थारू हो, चेरो हो, कोल हो, मुसहर हो, बुक्सा हो, बुइया हो, अहरिया हो, या जो भी जातियां जनजातियां हैं, हर जनजाति को अगर आवास का पट्टा नहीं है तो आवास का पट्टा भी देंगे। जो लाभार्थी की श्रेणी में आता वनाधिकार कानून के अंतर्गत उसे उसका वह पट्टा भी प्राप्त होगा, और जिनके पास आवास नहीं है हर उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार करेगी। किसी भी हमारे जनजातीय भाई बहन को इसके लिए वंचित नहीं होना पड़ेगा, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आज इस बात का आश्वासन देने के लिए ही मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति और सामान्य श्रेणी के भी बच्चों के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है, और साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास का निर्माण करते हुए उनकी आवासीय व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में फ्री में उपलब्ध हो सके यह सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक लंबी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा सेवा समर्पण संस्थान को। सचमुच आज से नहीं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा संस्थान है जिसने आजादी के बाद अकेला स्वयंसेवी संगठन
जिसने अपने जनजातीय बंधुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी के साथ कार्य किया है। ये राम सकल जी भी तो हमारे वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ऐसे अनगिनत न जाने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें, गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें, जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए उन पुराने वैद्यों को हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, उनके माध्यम से एक एक जड़ी बूटी को चिन्हित करते हुए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ, आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ना और फिर उन जड़ी बूटियों के संग्रहालय के साथ साथ उसके उत्पादन पर जोर देने के इस कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहयोग करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोग सोनभद्र हो या मिर्जापुर, चंदौली हो या फिर चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जितने भी जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जहां पर हमारा जनजातीय समुदाय अधिकाधिक संख्या में निवास करता है, उन सबके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हमारे तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं। अब तक यहां पर 23,335 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आएंगे, एक समय सीमा के अंदर उन सबको भी हम इसका पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की अराजकता और माफियाओं से मुक्त करने के लिए, रोकने के लिए, यद्यपि प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन मैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाई और बहनों का अपील करूंगा, आप भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।